इंडिया गठबंधन की ओर से भागलपुर सीट से कांग्रेस पार्टी के अजीत शर्मा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कल कांग्रेस उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। वहीं आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से सिंबल लेकर भागलपुर पहुंचे। नवगछिया से ही उनका स्वागत कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। कई जगहों पर रोककर जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाया, वहीं अजीत शर्मा ने भमरपुर दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही मानगंज शाह दरबार में चादर पोशी कर माथा टेका। वहीं उन्होंने बताया कि कल नामांकन के बाद आमसभा का आयोजन सैंडिस्क कंपाउंड में किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह सहित गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता सभा में शिरकत करेंगे। क्या पूजा करूंगा, जनता बोला देख रहे, उत्साह है, रोड सड़कों पे सब लोग लेके मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, मानगंज साहब मजार पर आए हैं। यही तो विचारधारा है कांग्रेस पार्टी का, यही हमारा समाज, यही हमारा देश है। सब जगह जा रहे हैं, बहुत उत्साह है। कल नॉमिनेशन का डेट है, नॉमिनेशन करूंगा, आम सभा भी होगा, जैसा कि हमको वर्कर्स बता रहे हैं। निश्चित तौर पर जो उत्साह हम देख रहे हैं, सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और हमको लगता है कि चुनाव में हमारी जीत होगी। लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव 2024 को लेकर आज पांचवें दिन कई प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। वही भागलपुर से अजीत शर्मा को मात देने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार छोटेलाल साह मैदान में उतर पड़े हैं। छोटेलाल साह डिप्टी मेयर के पद पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने सीधा अजीत शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं अपनी जनता की जीत हासिल करना चाहता हूं और अजीत शर्मा को इस मैदान में भारी बहुमत से हराना चाहता हूं। वही छोटेलाल शाह ने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जय श्री राम के नारे से हुंकार भरा और कहा, जीत सुनिश्चित है, इस बार के चुनाव में अजीत शर्मा किसी भी हालत में रेस में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अजीत शर्मा को जनता सबक सिखाएगी। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय परिवार पार्टी के द्वारा कहलगांव के मुकेश कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा, अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास हमारा प्रमुख एजेंडा रहेगा। और तीसरे प्रत्याशी के रूप में पीरपैंती से निर्दलीय हरे राम निराला यादव है। नामांकन भरते ही उनके समर्थकों ने उन्हें फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। तमाम भागलपुर की समस्याओं के साथ हम मैदान में आए हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, नाला है और रोजगार है, इन सभी मुद्दों के साथ हम भागलपुर में आए हैं। पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा। मैं अभी आप देख रहे हैं कि हमारा शिक्षा, सरकारी शिक्षा ऐसा व्यस्त हो गया है जिसके कारण हमारे मध्यवर्गीय लोग प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा के तरफ जाते हैं, लेकिन प्राइवेट वाले शिक्षा वाले भी वो क्या करते हैं, इस तरह उनपे दबाव बनाते हैं कि आपको स्कूल से ही किताब लेना होगा, कॉपी लेना होगा, शर्ट लेना होगा, पेन लेना होगा, मतलब सारा चीज वो शिक्षा नहीं बांट रहे हैं, बल्कि वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं। तिलतिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बिजली को लेकर विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। मामला भागलपुर विश्वविद्यालय एवं उनके अंतर्गत आने वाली सभी विभागों का है, जहां बिजली विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय पर करोड़ों रुपए के बिजली बिल को लेकर विश्वविद्यालय एवं उनके सभी विभागों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, जिससे विश्वविद्यालय में सारे काम काज ठप हो गए हैं और अधिकारियों को सारे काम काज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बाबा आज कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की गई और बिजली विभाग द्वारा इस अरियल रवे की घोर निंदा की। इस बैठक में कुलपति ने अधिकारियों को इसके समाधान को लेकर वार्ता करते हुए कहा कि बिजली विभाग का ग्रिड हमारे विद्यालय की जमीन पर अवस्थित है, जहां बिजली विभाग के द्वारा अब तक विश्वविद्यालय को जमीन का कोई भी शुल्क नहीं दिया गया है। इसलिए पहले बिजली विभाग विश्वविद्यालय को अपने विभाग का किराया दे, उसके बाद विश्वविद्यालय बिजली कनेक्शन का भुगतान करेंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने कहा कि बिजली मामलों में कुलपति के द्वारा बैठक की गई है और इस मामले पर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इस मामले पर कुलसचिव को अधिकृत किया गया है, जो इस मामलों पर गंभीरता से विचार कर इसका समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली कट होने के कारण विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य, रिजल्ट प्रकाशन का कार्य, रिसर्च का कार्य, होने वाली परीक्षाएं सभी प्रभावित हो रही है। साथ साथ उन्होंने कहा कि बिजली विभाग अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय के कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रही है। वही विद्यालय के PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने कहा कि हम लोग बराबर बिजली विभाग से मांग करते आ रहे हैं कि हमारी जमीन का रेंट दीजिए और आपके बिजली विभाग का जो भी शुल्क होगा हम देने को तैयार है।
वही प्रो ने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा जो बिल आया है वह बहुत ही अनाप शनाप आया है। विश्वविद्यालय की तरफ से माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई है और बैठक में माननीय कुलपति ने बिजली मामलों में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और इसके लिए कुल सचिव को अधिकृत किया गया। उन्होंने माननीय कुलपति ने कुल सचिव को अधिकृत किया है और वो सभी मामलों का वो अपने स्तर से देखेंगे और जल्द से जल्द इसका समाधान करने की बात करेंगे। दरअसल बिजली आपूर्ति ठप हो जाने के कारण समस्याएं बहुत गंभीर हो गई है, जटिल हो गई है और स्थिति बहुत भयावह हो गई। विश्वविद्यालय का प्रशासनिक यूनिट, प्रशासनिक भवन, LID यूनिट, जितने PG डिपार्टमेंट्स हैं और हॉस्टल्स, इन सभी की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है और उसको लेकर के स्थिति काफ़ी भयावह है। शोध का कार्य भी प्रभावित हो रहा है, पठन पाठन प्रभावित हो रहा है, परीक्षाएं जो होने वाली है, रिजल्ट का प्रकाशन, इन तमाम चीज़ों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। कहीं ना कहीं बिजली विभाग एक अनावश्यक रूप से व्यवधान पैदा कर रही है, कार्य में बाधा डाल रही है और इससे पूरा कार्य सफर कर रहा है हमारा। बिजली का जो पावर ग्रिड है वो हमारे विश्वविद्यालय की जमीन पर है, उसका मालिकाना हक विश्वविद्यालय का है और विश्वविद्यालय उस जमीन का रसीद भी कटवाते रही है। तो हम लोग बिजली विभाग से साफ तौर पर मांग करते रहे हैं कि आप हमारा रेंट दीजिए और जो आपका बिजली का बिल है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि यदि आपका बिजली बिल ज्यादा है रेंट से तो हम आपको भुगतान करेंगे और यदि हमारा रेंट जो किराया होता है उस जमीन का वो आपके ऊपर ज्यादा है और रेंट कम है, बिजली बिल कम है, तो उसके अनुपात में जो हिसाब होगा उस हिसाब के मुताबिक भुगतान की कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय कभी ये नहीं कहा कि हम भुगतान नहीं करेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन भुगतान के लिए हमेशा तैयार है। बिजली विभाग के अधिकारी खुद इन मामलों से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने जो पिछली बैठक हुई थी माननीय कुलपति के निर्देश पर, माननीय डॉक्टर मैडम के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में माननीय कुलपति ने निर्देश दिया था उनको और उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें बिजली विभाग के अधिकारियों ने एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से मना कर दिया। पर करीब जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक 98 लाख का बिल आया है, तकरीबन 1 करोड़ का बिजली विपत्र आया है, बिजली बिल आया है, बिल 98 लाख का आया है। NR सेंटर का बिजली बिल 98 लाख का आया है जबकि बहुत सारे कमरे नहीं है, बंद पड़ा हुआ रहता है, फंक्शनिंग बहुत कम होता है, प्राक प्रशिक्षण केंद्र वहां चल रहा है। और अंगिका का बिजली बिल 13,74,000 का आया है, दो तीन कमरों में चलता है और उसका कनेक्शन ID जो है वो 2000 से ही दिखा रहा है जबकि उसका उद्घाटन 2016 में हुआ है। दर्दनाक और बहुत ही संवेदनशील मामला बनता है, निंदनीय है कि हमारे जो हमारे विभाग में चूहे लाए गए थे उस पर एक बड़ा काम हो रहा था, डायबिटीज को नियंत्रण करने के लिए उस पर हमारे शोधार्थी काम कर रहे थे, 15 चूहे मारे गए। तो ये गंभीर मामला है, ये बहुत ही गंभीर मामला है और इससे पूरा व्यवस्था, पूरा सिस्टम उथल पुथल वाली स्थिति में है। और हमारे यहाँ 1975 से जो डेटा है कि 57,000 स्क्वायर फीट में जमीन पर जो है वो पावर ग्रिड बना हुआ है और आज तक तकरीबन 25 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, इसका किराया कौन देगा। बांका लोकसभा सीट के लिए NDA प्रत्याशी सह वर्तमान जदयू के निवर्तमान सांसद गिरधारी यादव ने बांका समाहरणालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री जनक राम, केदारनाथ गुप्ता, शीला मंडल, बांका विधायक रामनारायण मंडल, कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम, सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण, अमरपुर विधायक सह भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा, तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह, मुंगेर विधायक प्रणव कुमार, जदयू बांका लोकसभा प्रभारी राजकिशोर प्रसाद सिंह, धुरिया के पूर्व विधायक मनीष कुमार समेत कई NDA के दिग्गज नेता और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं नामांकन से पूर्व समुखिया मोड़ स्थित खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री जनक राम ने कहा कि गिरधारी यादव पिछले चुनाव से अधिक वोट से जीतेंगे, NDA गठबंधन ही राज्य हित और देश हित में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। आज मैं नामांकन करने जा रहा हूँ, नामांकन करने के बाद तुरंत हम आपके बीच आने वाले हैं, जो हमारे मतदाता भाई हैं, सब लोग आप लोग यहाँ हमारे जो सम्मान्य मंत्री लोग हैं उनका बात आप भाषण सुनते रहिएगा और हम जितना जल्द से जल्द हो सकेगा आपके बीच पुनः आएंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर आप दम रह जाएंगे। जहां विश्वविद्यालय के औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन विभाग के छत के चिक्कान जमीन पर गिरे, कुछ छात्र घायल भी हो गए। आलम ये था कि देखते ही देखते भागदौड़ मच गई, तभी यह जानकारी कुलपति को दी गई। वहीं छात्र और शिक्षक काफी भयभीत हैं। वहीं इसकी जानकारी विभाग की हेड भावना झा ने संबंध पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी।
स्थिति में नहीं है, हम स्तब्ध हैं इस स्थिति को देखकर, आहत हैं और निःशब्द हैं। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। किस समय की हुई है? 1:30 बजे के आसपास। सबसे बड़ी बात है कि लाइट नहीं है पूरे विभाग में, अभी जो है पूरे विश्वविद्यालय के किसी विभाग में लाइट नहीं। और हम लोगों को बहुत प्रेशर रहता है विश्वविद्यालय से कि शीघ्रती से सारे काम को करके दीजिए, तो हम लोगों को कॉन्फिडेंशियल वर्क करना निहायत आवश्यक था और लाइट नहीं रहने की वजह से हम लोग चैम्बर में बैठ के काम नहीं कर पा रहे थे, तो बरामदे में बैठ कर हम लोग काम कर रहे थे। और मैं मोबाइल के रोशनी में अपने एंटी चैम्बर से रजिस्टर निकाल कर आई और काम करने बैठी ही थी कि ये दुर्घटना। और इससे ज्यादा आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। उन में भी हमने इस संबंध में लिखित कई बार दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विश्वविद्यालय IRPM विभाग इस विश्वविद्यालय का प्राचीनतम विभागों में से एक है। यह विभाग 1959 से ही है और जिस बिल्डिंग में ये चल रहा है वो भी काफ़ी पुराना है। तो ये विभाग के बिल्डिंग की जो स्थिति है वो काफ़ी जर्जर है और किसी भी समस्या को निमंत्रण देती है। आज की घटना ये हुई कि हम सभी लोग विभागाध्यक्ष के कक्ष से कई प्रकार के कार्य का संपादन करने के लिए बैठे हुए थे और बिजली नहीं होने कारण हम लोग थोड़ी देर के लिए कक्ष से बाहर आए और कुछ कागजातों को लेने के लिए विभागाध्यक्ष और शिक्षकगण कुछ सारी कागजात चूँकि वहीं पे है तो गए। उसी दरमियान कुछ सेकंड में वो सारा का सारा छत का जो ऊपरी लेयर है टूट के गिर गया और ऊपर वाले के मेहरबानी से हम सभी लोग बच गए, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता था। ये दुखद घटना है, इसमें हमारे शिक्षक और छात्रों की जान भी जा सकती थी। परीक्षा संबंधी मॉडरेशन का कार्य चल रहा था, संजोग बस है कि सभी शिक्षक जरा सा बाहर निकले थे और उसी समय पूरा छज्जा गिर गया और कोई भी हादसा, बड़ी से बड़ी हादसा घट सकती थी। और सौभाग्यशाली हम लोग रहे कि हमारे शिक्षक इसमें घायल नहीं हुए, लेकिन विश्वविद्यालय को बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी विश्वविद्यालय इस पर कोई पहल नहीं किया, यह अत्यंत दुखनीय है। आम निर्वाचन 2024 की सरगर्मी तेज हो गई है। वही भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आए दिन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न संस्थाओं एवं संबंधित विभागों को मतदाता को जागरूक करने के लिए बैठक का आयोजन कर रही है। इसी बाबत आज भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने आमजनों को मतदान देने के लिए जागरूक करते हुए एक रैली निकाली, जिसको जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली के दौरान महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य, शिक्षक, दर्जनों छात्राएं मौजूद थी। ये जागरूकता महारैली कॉलेज से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई चौक होते हुए तिलकामांझी होते हुए वापस अपने महाविद्यालय में समाप्त हुई। बता दें कि जिलाधिकारी इससे पहले कई क्षेत्रों का भ्रमण किया और लोगों को जागरूक करते हुए कहा, आप अपने मतदान के अधिकार को समझें और घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचे और अपना कीमती वोट अवश्य दें। आप अवगत हैं कि 26 अप्रैल को हमारे भागलपुर लोकसभा चुनाव है और इसके लिए इसको लेकर के हम लोग बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, खासकर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। जो युवा वोटर लिस्ट में इन्वॉल्व हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, वो तो वोट डाले हैं। साथ ही जो अन्य युवा जो वोटर लिस्ट में इन्वॉल्व नहीं है, उनको मैंने दायित्व दिया है कि अपने परिवार और सगे संबंधी सभी को वो जागरूक करें कि जो भी हमारे वोटर हैं वो 26 अप्रैल को वोट जरूर करें। भागलपुर के मशहूर कोचिंग सेंटर दीप कृष्णा इंग्लिश कोचिंग सेंटर में 10:2 में बेहतर परिणाम आने वाले छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि दीप कृष्णा इंग्लिश कोचिंग सेंटर में कुशल शिक्षकों द्वारा एक अच्छी पढ़ाई होती है, जहां 10:2 में अच्छे अंक लाकर एक बेहतर परिणाम मिला है। वहीं दीप कृष्णा इंग्लिश कोचिंग सेंटर के निदेशक दीपक कुमार ने कहा कि इंग्लिश में सामान्य तौर पर छात्र काफी कमजोर रहते हैं, लेकिन जब छात्र मेहनत करना शुरू करते हैं तो फिर छात्र अंग्रेजी का बादशाह हो जाते हैं, जिसका परिणाम आज देखने को मिला है। वहीं अब दीप कृष्णा इंग्लिश कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुविधा हेतु शिक्षा के साथ साथ मेडिकल क्षेत्र में रोजगार और मन पसंदीदा नौकरी के लिए एक अच्छी टेक्नीशियन की डिग्रियां दीप कृष्णा एजुकेशनल सर्विस सेवा
यूनिवर्सिटी रोड सराय काली मंदिर के समीप शुरू की गई है, जहां एनएम, बी फॉर्मा, जीएनएम, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस सहित बीए, एमए, एमएससी, बीएड, एमएड सहित कई डिग्रियां एक अच्छे यूनिवर्सिटी से आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यह दीप कृष्णा एजुकेशनल सर्विस खोलने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि आज जो देख रहे हैं बीपीएससी टीचर बने हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं से अपना पढ़ाई के साथ डिग्री लेकर के आज रखे थे। आज इनका डिग्री कामयाब हो पाया। कुछ बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर रखा था या प्राइवेट कॉलेज से डिग्री लेकर रखे थे, आज उनका डिग्री काम में आ गया। यह डिग्री ज्यादातर गरीब घर के बच्चे नहीं ले पाए थे, जिसके कारण मुझे बेहद दुखी हुआ कि क्या जिनके पास पैसा है सिर्फ वही डिग्री लेगा, क्या जिनके पास पैसा नहीं है वह डिग्री नहीं ले सकता है। यह जानकर मुझे बहुत दुखी हुआ। तब जाकर के मैं दीप कृष्णा इंग्लिश के साथ साथ दीप कृष्णा एजुकेशनल सर्विस का मैंने स्थापना इसी वर्ष से किया है, ताकि हर गरीब घर के बच्चे यह डिग्री को ले सके। पैसा अब पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगा, मैं इतना तो वादे के साथ कह सकता हूँ, डंके की चोट पर मैं कह सकता हूँ, अब पढ़ाई के क्षेत्र में पैसा बाधा नहीं बनेगा। बहुत कम फी में मैं उनका डिग्री के साथ साथ अच्छे पढ़ाई, अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी से मैं दिलाने का काम करता हूँ। यूनिवर्सिटी रोड सराय, दीप कृष्णा इंग्लिश एंड दीप कृष्णा एजुकेशनल सर्विस, मोबाइल नंबर 7360902571। मैं हूँ दीपक सर।